रही है। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे गुरुदेव। मम्मी तो आज जीवित है सिर्फ आपके लिए, नहीं तो कब की हरिहर हो जाती। बाबा माँ कृपा ऐसे ही बरसती है, कुछ नहीं, गुरुदेव सब अच्छा होना है। आप पे, बाबा माँ पे इतना विश्वास है कि डॉक्टर के पास जाती नहीं, और सारे रिश्तेदार इसको कहते हैं कि मर जाएगी, डॉक्टर के पास ले जाओ, मर जाएगी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाके गारंटी है क्या बचने की? मैं वही कहती हूँ सबसे, लेकिन मेरी मम्मी है कि नहीं कहीं नहीं जाना, बस बाबा माँ बचाएंगे। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अनसिक्योर आदमी है तो अस्पताल में है जी। वो क्या करेंगे पता नहीं। बहुत भक्तों को दरबार अपने हिसाब से ठीक करता रहता है, अस्पताल में वो भर्ती होते हैं और ये पता लगता है कि ये गलत इंजेक्शन लगने के कारण बॉडी जो है वो ओवर रिएक्ट करती है और ओवर डोज के कारण मृत्यु हो जाती है जी। वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं जी गुरुदेव, ये करते हैं अस्पताल में। कहते हैं हम लोग कि बच जा सकता था, बच गए थे, अच्छे थे, अच्छे खासे अस्पताल गए थे और निपट गए, ख़त्म हो गए ऐसे। अभी एक केस था, लेडी थी जी। वो बहुत बीमार थी, कैंसर फैला हुआ था। तो अब वो डॉक्टर्स ने दरबार नज़र किया, वो सो नहीं रही थी पिछले कई दिनों से, 15 दिन से बढ़िया आराम से सो गई, 18-20 घंटे कुछ जम के सोई उठी। उसके बाद वो कुछ अनिजी महसूस हुआ होगा, जब तक हमको फ़ोटो भेजी, हम यात्रा में व्यस्त थे, तब तक डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन वगैरह सब चढ़ा दिए, फटाफट ICU में घुसेड़ दिए, लंग्स को लैप्स कर दिया, बैठ गया, हार्ट पंप करना बंद कर दिया, दवा ओवरडोज, वृद्ध शरीर ऊपर से ओवरडोज। तो अगर डॉक्टर साहब वो कृपा कर देते, केवल दवा नहीं देते, तो वो रिकवर कर जाते। दवा दवा देती चीज़ों को, डैमेज कर देती, ख़त्म कर देती, डेथ हो गई जी। ये होता, हम लोग देखते हैं क्या करें। मम्मी सभी को कहती है कि मेरी चिकित्सा सुश्रुत जी कह रहे हैं तो सब इसका मजाक उड़ाते हैं। वो देख लेना कि कैसी हैं वो जी, जो मजाक उड़ाते थे वो ये भी देखें कि ये कैसी थी और कैसी हैं जी। हैं, तुम्हारा ही अपना केस था स्वयं का जी गुरुदेव, हैं याद है? हमें सब याद है कैसा चेहरा खराब कर दिया था। बिल्कुल, मैं सबको यही कहती हूँ कि आप मेरा चेहरा देखो, मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई है, और किसी को विश्वास नहीं होता, पूरा जला हुआ चेहरा था पूरा जी गुरुदेव। अभी कोई कह सकता है कि जला हुआ चेहरा है? कोई कह सकता है? घूम के दिखाओ जरा इन लोगों को, कोई बता सकता है कि जला हुआ चेहरा है? बहुत सुंदर है, कोई नहीं कह सकता गुरुदेव, सब माँ की कृपा है, दर्द भी नहीं हुआ, जलन भी नहीं हुआ, कुछ भी। अगर इसका पुराना फोटो दिखा दिया जाए आप लोग यकीन नहीं करोगे कि वही बच्ची है ये। तो दरबार तो सब रहता है, दरबार का सारा रिकॉर्ड आसमान में रहता है। गुरुदेव मेरे पास फोटो है, मैं दिखाऊं? अच्छा दिखा दो। ऐसे बच्चे का इसका था पूरा, कैसे कर रखा, देखो बच्ची ने रखा है संभाल के जी गुरुदेव, मैं दिखा रही हूँ। दिखाओ कैमरे में, दिखा दो, देखिए, देख लो, हाँ दिख रहा है बेटा, फोकस करो और स्लाइड अप, देख लो ये चेहरा था बच्ची का, और अब कैसे उसको बेटा हाथ से भी स्क्रीन साफ कर दो कपड़े से, देख रहे हो, ये देखो कैसा चेहरा, पूरा गर्दन और गला और चेहरा, पूरा चेहरा तक जल गया था। अभी ये लोग कैसी बच्ची है, दिखा दो भाई चेहरा। बस थोड़ी बहुत स्मृतियाँ जो रहेगी, होंगी, कभी कभी दर्द दे देती है। अब आज वनडे हो गया जी गुरुदेव, तो आज से सब खत्म, आज को विराट ऊर्जा है जी गुरुदेव। ये तो दरबार ने धीरे 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 आपको ठीक किया, वनडे अगर किया होता तो पहले गुरुदेव तुरंत में ठीक हो गई थी, 10 दिन के अंदर ये सारी स्किन नहीं आ गई थी। मम्मी को तो पता भी नहीं था कि मैं जल गई हूँ। ठीक होने के बाद मम्मी को बताया, माँ पे इतना विश्वास था कि मैं क्या बताऊँ, कोई पैरासिटामोल कोई कुछ भी नहीं लगाया था।
बिल्कुल बेटा। और अभी भी गुरुदेव मम्मी को ना पूरे शरीर में घाव हो गए थे, वो सही में हरियर हो जाती बस भस्म खिलाई और थोड़े से लेप रखे थे घर पे, वही लगाया बस जीवित है। बिल्कुल बेटा, अच्छे रहेंगे, हमेशा अच्छे रहेंगे जी गुरु, सब अच्छा ही होना है, क्योंकि आपके अंदर सब में जो आस्था विश्वास और श्रद्धा होती है ना, वो सबसे बड़ी दवा है जी गुरुदेव। और जो सबसे बड़ा जो सर्जरी है वो आपका प्रार्थना और संकल्प है जी गुरुदेव, है ना जी। आप वो करते हो और सब अच्छा होता है गुरुदेव। आप सपने में आते हो, आप और माँ, मैं आपको बहुत दिल से याद करती हूँ, तो गुरुदेव आप ही आते हो ना, भ्रम नहीं है ना मेरा, क्योंकि कभी कभी ऊपर नीचे सपना भी आता है। माँ बच्चा कहाँ अलग होगा माँ से, गाय से बछड़ा अलग नहीं होता, नहीं साथ ही साथ घूमता है। माँ को देखने की इच्छा होती है ना, कल बहुत थोड़ी थोड़ी झलकी दिखी थी माँ की, तो उसी से मैं एकदम प्रसन्न हो गई थी, अब तो माँ दिखती भी बहुत कम है। इसीलिए खूब खुश हो बेटा, देखिए सब तमाम कष्ट थे जी। जो हटाए गए, सब स्मृतियाँ भी नष्ट हो गई जो आपकी थी जी गुरुदेव, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृति थी, एक्जिमा की स्मृति थी, शरीर में जलन पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियाँ थी, सिजोफ्रेनिया था, अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना और सुनाई देना, किडनी में मल्टीपल स्टोन बन गए थे, एसिडिटी होना, बाइपोलर डिसऑर्डर था, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृति थी, यूरेटर में पस बन रहा था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, यूरिन में इन्फेक्शन, अर्ध बेहोशी में रहना, मासिक अनियमित रहना, निद्रा अनियमित रहना, ब्रेन में सूजन, कूल्हे में सड़न, सुनकर पूरा ना समझ पाना, कमर में दर्द होना, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, सूजन हो गई थी, घाव बन रहा था गले में, मस्तिष्क में, कैंसर की स्मृति, यूट्रस में, हड्डियों में, लंग्स में, ब्रेस्ट में, गॉल ब्लैडर में और गुदा द्वार में। ये आपके और मम्मी के कॉमन कष्ट थे जी गुरुदेव, है ना, यूट्रस में ऐसे देखो गलती हो रही है, यूट्रस सिकुड़ गया था और गांठें बन गई थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में सूजन हो रही थी, PCOD की स्मृतियां थी और एक्स पूरे नहीं बनते थे। गुरुदेव हम लोग 3 लोग हैं DNA में, बाबूजी भी हैं। ठीक बेटा, उनको भी ब्रेन स्ट्रोक आया था लेकिन वो खुद से ठीक हो गए। बिल्कुल बेटा, सब अच्छे होना, किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी, ये देखो गुरुदेव, ये उनको यही उनकी प्रॉब्लम, देखो पापा को किडनी में सूजन हो रही थी, रक्त अशुद्ध हो रहा था, यूरेटर नली में सड़न हो रही थी और नली चिपक रही थी और पेशाब में लालिमा आ रही थी जी गुरुदेव, ये मेरे साथ हो रहा था गुरुदेव। हाँ, ये कॉमन स्मृतियाँ हैं, ये भी सब नष्ट हो गई आज से। कल एक महाहवन जरूर कर लो, जब मौका लग जाए ना, तो कर लोगे तो ये जितनी असाध स्मृतियाँ वो सब नष्ट हो गए जी गुरुदेव। एक चीज मांगना चाहती हूँ गुरुदेव, 2 साल पहले भी मैंने आपसे मांगा था नौकरी के लिए गुरुदेव, अभी तो बहुत नहीं गुरुदेव को पता, आप कर पाएंगे, थैंक यू। अब आप अपना प्रयास करेंगे, अब सफल होंगे, खूब उठ जाए बेटा। प्रयास करने में गुरुदेव मैं कर नहीं, बाबा ने कहा कि प्रयास करोगे तो होगा, बैठती हूँ पढ़ने के लिए तो बहुत उलझन होती थी सॉरी गुरुदेव, सॉरी, अब नहीं होगा जी गुरुदेव। अब खूब कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है आपका, जबरदस्त कॉन्फिडेंस है जी गुरुदेव, स्मरण शक्ति बहुत मजबूत की दरबार ने आपकी, थैंक यू गुरुदेव, एकाग्र शक्ति बढ़ाई है, सब अच्छा किया है, सब जीने की इच्छा बढ़ाई है, इच्छा शक्ति बढ़ाई है। हमेशा मन करता था ना कि जाके फांसी लटक जाओ, मम्मी से झगड़ा करके वही कहती थी, जा रही हूँ मरने, बाबा को कहती थी मार दो बाबा, मम्मी शायद संकल्प करके मेरे को बचाती थी। सब अच्छा बेटा, सब अच्छा अच्छा कर पाओ, ठीक है, खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न, थैंक यू गुरुदेव, खूब खुश रहे, मैं जिंदा हूँ। मोटी हो गई थी लेकिन बहुत वेट कम हो गया, 48 हो गया, 69 से गुरुदेव थोड़ा बढ़ जाए जी। और जी गुरु जी, मुझे पॉटी लूज मोशन होती है, नहीं तो होती थी और ना ही तो हार्ड स्टूल होता था, और दोनों समय इसमें कपड़े खराब हो जाते थे। हाँ, अब ठीक रहेगा, अब बहुत दूर जाए, संकल्प से ही आपके सब अच्छा है। अच्छा, और पैर वो सब स्मृतियाँ गई, मसल्स ये बहुत दर्द करते हैं। अब बैठ उठ के देखो, बैठिए उठिए, अब बैठिए, पलथी लगाइए, पलथी लगा लीजिए,
हाँ, आप खड़े हो। आप कोई कष्ट नहीं है गुरुदेव? थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छे रहेंगे। लेपन थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है? मेरे पति काम करने के हैं, लेकिन पैसे का व्यवस्था आते आते नहीं आता है। आप सब होगा, परेशान मत, कल कुछ पैसे आने वाले आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, सब कुछ होगा, जो आप प्रार्थना करोगे वही होगा। गुरुदेव हमारी तरफ से कोई गलतियाँ नहीं ना हो रही है, ठीक है? थैंक यू गुरुदेव, खुश हो बेटा। गुरुदेव खूब खुश। जाप करने में पॉटी हो जाता था, वही पुरानी स्मृतियाँ थी, अब नहीं होगी ना, नष्ट होगी अब, और अच्छे से अनुभूति होगी ना गुरुदेव? बिल्कुल, सभी कर पाएंगे। थैंक यू गुरुदेव। आप नहीं दिखते हो ना इन्हें सपने में, तो ये बहुत जलती है मेरे से। मुझे क्यों नहीं दिखते गुरुदेव, श्रद्धा की कमी थी क्या? आप सब गंदगी गई है, सब कर पाएंगे, ठीक है? थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा।